भाई हिल रहा है, हिल रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। नेटवर्क यार। कुछ नेटवर्क इशू है। I don't know. नेटवर्क इशू है कुछ, मैं कुछ ना मुझे दिखाई दे रहा है ना, पता नहीं चल रहा है मुझे, मुझे दिख गए। हाँ वॉचिंग दिख रहा है, कमेंट करके देखो कोई। यस थैंक यू सो मच, I'm extremely sorry for being late today. Namaskar sabko, my name is Seema and you are watching me through Melody Strings. We are a musical group created by Gunjan Bhatt and supported by all the lovely members there. Sanjay Sharma and Jyot Sinha, Veenadi is there. Welcome to this live session. Thank you so much. Comments dikh nahi rahe the, namaskar sabko. कमेंट्स दिख नहीं रहे थे, लाइव सेशन का मतलब यही होता है कि इंटरेक्शन होनी चाहिए, इसी से हमें लगता है हम आपसे मिले हैं। तो बिना कमेंट्स दिखे मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रही थी मैं, आई वॉज ट्राइंग टू कम थ्रू माई पेज, लेकिन उसमें भी क्योंकि मेरा पेज पब्लिक है तो उससे ज़्यादा ऑडियंस को फ़ायदा होता। नेटवर्क प्रॉब्लम, यस नेटवर्क प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच संजीव, थैंक यू एंड थैंक यू वीनादी। अब थोड़ा जब कमेंट्स दिखने लगते हैं तो थोड़ा सा जान में जान सी आ जाती है, लगता है कि नहीं हम जो बात कहना चाहते हैं आगे कोई सुन रहा है। यू आर नॉट एबल टू कमेंट संजय भैया, वी विल हैव टू वर्क ऑन इट। मैं भी ना लाइव में किसी की भी कमेंट नहीं कर पाती हूँ, मुझे भी लाइव से बाहर निकलना पड़ता है, कुछ तो है। तभी मैं पेज के थ्रू आना चाहती थी बिकॉज मेरा जो प्रोफाइल है उसमें काफ़ी ऐसी सेटिंग्स है, प्राइवेसी सेटिंग्स। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स कम टू टुडेज टॉपिक। सो इट्स अ वेरी डेलिकेट, वेरी यू नो, बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे घर घर में हर किसी को ये परेशानी है। तो इन दिस वीडियो, इन टुडेज वीडियो, आई विल शेयर 10 इफ़ेक्टिव वेज इन विच यू कैन क्विट योर स्मोकिंग। स्मोकिंग से क्या इल इफ़ेक्ट्स है, क्या बैड इफ़ेक्ट्स है स्मोकिंग के, ये सबको पता है, ये कोई जानना नहीं चाहता है, ये कोई रिविजन नहीं है इसका। माय नेम इज सीमा एंड आई डू नॉट टीच यू एनीथिंग, आई जस्ट मेक यू टू रिवाइज द थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो। आप जो आपको पता है वही मैं उसी चीज़ का रिविजन कराती हूँ, एक रिविजन। मेरे भी, माय हबी डोंट स्मोक, मेरे भी घर में कोई स्मोक नहीं करता है, मगर यू विल बी अमेज्ड टू नो आई स्मोक, मैं सिगरेट पीती हूँ। मैं सिगरेट कैसे पीती हूँ ये आप आगे मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में, मैं आपको बताऊँगी मैं कितने सिगरेट पीती हूँ दिन में और मैं कैसे सिगरेट पीती हूँ। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, आई विल रिवील दिस टुडे इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर डिटर्मिंड। अगर आप में से कोई सिगरेट पीते हैं या आप किसी ऐसे बंदे को टैग करना चाहते हैं जो ये रिविजन करना चाहता है आज कि सिगरेट स्मोकिंग करना छोड़ना है। नमस्कार लवली जी, हाय गुंजन, नमस्कार विनोद बान भैया। तो यहाँ पे कोई आज ये नहीं चल रहा है कि सिगरेट से क्या हानि है। हानि आपको सबको पता है, हानि हम सबको पता है कि क्या इससे नुकसान है, मगर हमें छोड़ना है। बहुत सारे लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और मगर छोड़ नहीं पाते हैं। कई कबार ऐसा होता है कि वो 2-3 दिन भी बिना सिगरेट के रह जाते हैं, मगर फिर एक ट्रिगर पॉइंट आता है और वो फिर से उसको ले लेते हैं, या कोई स्ट्रेस पॉइंट आता है या वो स्ट्रेस हो जाते हैं और उससे क्या होता है कि उनको फिर से उस सिगरेट को गले लगाना पड़ता है, फिर से वही सुट्टा लेना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आप अपना एक टारगेट सेट करके रखो। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग, अब आप
इस ये वीडियो वही देखेगा, ऑफ कोर्स एडमिन्स तो देखेंगे ही क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्यों, और हम यहाँ से इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, तो आप सब तो देखेंगे। अब वो भी ज़रूर देखेगा जिसको, जो चाहता है स्मोकिंग को क्विट करना। आज इतन पन्निन वालन, यस, सो शेयर्ड इन सो मेनी ग्रुप्स, थैंक यू सो मच संजय शर्मा भैया। तो ये वीडियो वो ज़रूर देखें जिनको, उनको एक रिविजन हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी अब मैं कमेंट्स कर सकती हूँ, यस अभी तक तो कुछ था ही, जैसे गाड़ी चलने लगी अब तो। लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स, आई विल डिस्कस ओनली 10 पॉइंट्स वी विल डिस्कस। नमस्कार सबको, वेलकम सबको, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर विद मी ऑन दिस जर्नी कॉल्ड गुड हेल्थ, गुड हैबिट्स, गुड लाइफस्टाइल। You can also watch me on my YouTube channel. I have changed the name of my YouTube channel. It was earlier Healthify My Cuisine and Lifestyle. बहुत लंबा हो जाता था, बहुत लोगों को याद नहीं रहता था, तो आप ही में से बहुत सारे मेरे एक्सटेंडेड फैमिली ने सजेस्ट किया कि इसका नाम रखो डॉक्टर होममेकर। डॉक्टर होममेकर थोड़ा सा ईजी भी है और याद भी रह जाता है। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज डिस्कशन। सो नंबर वन इज सेट योर टारगेट। यू शुड सेट योर टारगेट कि मुझे कितने दिनों में सिगरेट स्मोकिंग छोड़नी है, बाकी सब आपको पता है इससे क्या नुकसान है। नमस्कार सुहासनी दर जी, वेलकम टू द शो। आपको पता है इससे मुझे क्या नुकसान है, मगर आपको अब छोड़नी है। आप इस लेवल पे आ गए हो कि आपको सिगरेट छोड़नी है, तो सबसे पहले आप अपना एक टारगेट सेट करो। एक टारगेट सेट करेंगे कि मुझे आने वाले एक महीने तक, या आज जो डेट है 3 या 4 तारीख, नेक्स्ट 3-4 तारीख तक, एक महीना मुझे चाहिए, 3-4 तारीख तक मुझे सिगरेट पीना छोड़ देना है। तो एक टारगेट होता है, तो अपने बच्चों को देखते हुए, अपने आसपास का माहौल देखते हुए, आपके मुंह से गंद आ रही होती है हर टाइम, आप जो पानी भी पीते हैं उस पानी में भी वो गंद चला जाता है आप सिगरेट का, आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो ये एक टारगेट सेट कीजिए अपने लिए, एक टारगेट सेट कीजिए। आपको पता नहीं है, आपको खुद लगता है कि ये एक टशन है, आप बहुत शेर लग रहे हैं सिगरेट पीते हुए, बट ये नहीं है। आपके आसपास जो लोग हैं उनको आप बहुत परेशान कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के सामने भी सिगरेट पी रहे हैं, बच्चों के सामने आप सिगरेट खरीद रहे हैं, क्या इम्प्रेशन आप बच्चों को दे रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ। और डेफिनेटली आप ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि आपका बच्चा सिगरेट पिए, आप कभी भी नहीं चाहेंगे। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, और भी लोग स्कूल छोड़ने जाते हैं, पेरेंट्स, स्कूल के बाहर ही एक दुकान है, वहाँ पे सारे पेरेंट्स सिगरेट पी रहे होते हैं, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ दिया होता है और बाकी बच्चे उसी माहौल से गुजर रहे होते हैं। पैसिव स्मोकिंग उन बच्चों को कितनी होती है, आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यू स्मोकर्स। और मैं ये नहीं बोलती हूँ, कुछ अच्छी चीज़ का डिमांड कीजिए, कोई अच्छी चीज़ खाइए। सिगरेट पीने से अगर कुछ अच्छा होता तो हम आपको प्रमोट करते, मगर कोई अच्छी चीज़ खाइए। मैं भी सिगरेट पीती हूँ, मैं आपको बोलूँगी मैं कैसे सिगरेट पीती हूँ, इसी वीडियो में आपको बोलूँगी मैं कैसे सिगरेट पीती हूँ। सो तो पहला हो गया कि टारगेट सेट करना। नंबर टू बात हो गई कि आप अपना जो है एक सपोर्ट सिस्टम, आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम रखिए अपने साथ। जब आपने सिगरेट पीना स्टार्ट किया, वेलकम ज्योति सिस्टर, जब आपने सिगरेट पीना स्टार्ट किया, मैंने बहुत कहानियाँ सुनी है कि स्कूल में फलहाना ने पिलाई मुझे, कॉलेज में इसने पिलाई, अरे तुम्हें तो दम नहीं है तो सिगरेट नहीं पी सकता। कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, स्कूल में भी लोगों ने सिगरेट पी है, ये सब अलग चीज़ है। मगर जब आप बड़े हो रहे हैं, मैं आई एम एड्रेसिंग टू 40+ पीपल, अब आप बड़े हो गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपने सिगरेट बहुत सारी पी ली है, अभी तक आपने बहुत सारा टशन दिखा दिया है, अब टाइम है आप वो सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही। आप अपने आसपास एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कीजिए, आप अपनी फैमिली को बोलिए कि हेल्प मी इन क्विटिंग दिस बैड हैबिट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इससे हेल्पफुल, अपनी फैमिली को सपोर्ट में लेते हुए अपने फ्रेंड्स को, उन्हीं दोस्तों को बुलाइए जिन दोस्तों को ने आपको सिगरेट पहली बार थमाई थी,
उन्हीं दोस्तों के साथ आप वचन दीजिए एक दूसरे को कि अब हम इसका स्वाहा भी करेंगे, अब हम इसको छोड़ भी देंगे, क्योंकि अब एज आपकी जो एजिंग है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके लंग्स काफ़ी आपने डैमेज कर दिए हैं, अब आपके लंग्स आपको चूस रहे हैं, आप अपने लंग्स से उसको सिगरेट को नहीं चूस पा रहे हैं, नहीं कश लगा पा रहे हैं। अनुलोम विलोम कीजिए, इसके बदले में ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। यस, हैप्पी बर्थडे टू आयुष बेटा फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। विनोद भान भैया इज़ ऑल्सो विशिंग आयुष हैप्पी बर्थडे। कॉन्ग्रेचुलेशन संजय शर्मा भैया, एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आई डू नॉट टीच यू एनीथिंग, आई जस्ट मेक यू टू रिवाइज योर थिंग्स। मैं भी एक आपका रिमाइंडर हूँ। हैप्पी टीचर्स डे टू मी टू। सो ये आपके माहौल की बात हो गई। ऐसे दोस्तों से मिलना थोड़ा अवॉइड कीजिए जो आपको इस में घसीट रहे हैं। ऐसे आसपास की ऐसी सारी चीज़ें आप हटा सकते हैं। अनुपमा तिक्कू जी, वेलकम टू द शो। आई वॉज लिटरली मिसिंग यू। आई लव टू सी वॉट इनपुट्स यू पुट वाइल माई सेशन। अदर सेशन तो मेरा आप ही की मदद से हो जाता है अनुपमा जी, थैंक यू सो मच। कोई सुमन को भी करो, वो भी मेरा आधा सेशन कर देती है। सुमन को भी कोई टैग करो, शी इज़ ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग माई दिस थिंग जर्नी स्मूथ वाइल आई डू द लाइव सेशंस। तो ये हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स आउट देयर। दम मारो दम। सो इट्स नॉट अबाउट दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुभाषक। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट आपके अंदर कितना दम है। आपका आपके अंदर दम था सिगरेट का कश लेने का, अब आपके अंदर कितना दम है, अब आप कितना रिस्पॉन्सिबल है कि आप इसको क्विट करेंगे। कोई भी आदत आपने अपनाई है, कोई भी आदत आपको छोड़ने में कितना दम है। विनोद बहन भैया ने सही बोला, दम मारो दम। अब ये अपने अंदर का जो दम है वो दिखाओ दुनिया को कि अब तो मैंने पी लिया सिगरेट, 40 साल हो गए पीते पीते, यार हो गया, बस हो गया, बहुत हो गया, अब मैं इसको नहीं टान पा रहा हूँ, अब मैं क्या, मेरे लंग्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप इमेजिन करेंगे उस इंसान की, उस व्यक्ति को आप इमेजिन करें जिसको लास्ट में वेंटिलेटर पर चढ़ाते हैं, जब उसके लंग्स बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं तो उसको सपोर्ट देना पड़ता है, ऑक्सीजन सपोर्ट। तो अपने ये जो सपोर्ट सिस्टम, ये जो आपके अपने जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, इनको आप बचा के रखिए, इनको आप सुरक्षित रखिए। अपना दम दिखाओ, एग्जैक्टली अपना दम दिखाओ, और अपने दम से, अपने दम से, कोई आपको बोलेगा नहीं, अपने दम से सिगरेट को छोड़ दो, छुपाओ मत। टेक दिस चैलेंज एंड बी एबल टू एक्सेप्ट द चैलेंज, बी एबल टू एक्सेप्ट द चैलेंज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द चैलेंज। व्हेन यू एक्सेप्टेड, रिमेंबर फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्टेड स्मोकिंग, समबडी प्रोवोक्ड यू, समबडी चैलेंज्ड यू। नाउ आई एम चैलेंजिंग यू ऑल, whosoever will watch the video who is smoking because of they have accepted the challenge at the time of their college, now accept my challenge and quit smoking right away. Abhi hi dustbin mein phenk dijiye, ye aapke liye acha nahi hai. Acha, yeah. Aur ek cheez hai, मैं तो पंगे बाजू में सबसे पंगा करती रहती हूँ। व्हेन आई आस्क एल्डरली पीपल टू क्विट स्मोकिंग, व्हाट दे से कि हमारा तो अब इतना एज हो गया, हम 70 साल के हो गए, हम 70 साल तक तो हमारे लंग्स को कुछ नहीं हुआ, अब आगे क्या होगा, आगे भी कुछ नहीं होगा, इट विल बी अ वेरी स्मूथ जर्नी। नहीं भाई साहब, नहीं अंकल जी, बात मेरी सुनिए, क्या कर रहे हैं आप, आप कर रहे हैं अपनी जीन्स के जो एक्सप्रेशन है उसको आप बिगाड़ रहे हैं। आप अपनी जीन्स के एक्सप्रेशन के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ निकाली, मगर जो जीन्स में जो म्यूटेशन हो रहा है, जो आपके जो जीन्स है, जो आपका जेनेटिक मेकअप है, उसमें जो म्यूटेशन हो रहा है, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, वो जो इनहेरिटेंस के थ्रू आपकी जनरेशन को जाएगा, आप अपनी जीन्स को बिगाड़ रहे हैं। आपके बेटे को तो नहीं, आपके पोते को अस्थमा होगा ही होगा अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो। ये हो गया, फिर एनवायरनमेंट आपने बना लिया ऐसा, अपने आस पड़ोस, अपने आस पास का, अगर आपके घर में सिगरेट का लाइटर है उसको फेंक दो, अगर आपके घर में ऐश ट्रे है उसको फेंक दो, तो एक एनवायरनमेंट सा बन जाएगा। इसको बोलते हैं क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। यू विल क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ सो दैट यू आर फोर्स्ड टू क्विट द स्मोकिंग।
उसकी जगह आप ऐसा होता है कि जब आप स्मोक कर रहे होते हैं, आप अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालते हैं, जलाते हैं, मैं और हैंड टू माउथ आपका एक मोमेंट चलता रहता है, तो एक ट्रिगर मोमेंट आता है जब आप छोड़ भी देते हैं स्मोकिंग, 2-3 दिन आपको हो जाते हैं, मगर कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर मोमेंट आता है, आप यू आर फोर्स्ड टू ड्रिंक, यू नो, हैव द सिगरेट. उस टाइम पे आप सिर्फ ऐसे एक्शन भी कर सकते हैं, बस नहीं पिया, सिगरेट नहीं पिया विदाउट मेकिंग द दिस थिंग स्मोकिंग. यू कैन एक्चुअली इम्प्रूव योर लंग्स. आप शंख बजा सकते हैं. जितनी बार आपको तलब लगेगी सिगरेट की, आप शंख बजाइए. जितनी बार आपको तलब लगेगी सिगरेट की, आप अपने पास माउथ ऑर्गन रखिए. माउथ ऑर्गन से आप अपने लंग्स को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे, लंग कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे. नंबर 7 पॉइंट हो गया. नंबर 8 पॉइंट हो गया आपका, आप अगर आपको आप कोई नई हॉबी डेवलप करो. जैसे जैसे आपको सिगरेट की तलब लगे, आप स्टार मेकर पे जाओ, आप एक गाना गा लो और मेलोडी स्ट्रिंग्स पे पोस्ट कर लो. पैसिव स्मोकर्स आर मोर अफेक्टेड इफ एनी ऑफ आवर फ्रेंड इज, यस एग्जैक्टली अनुपमा तिक्कू जी, आई विल इंक्लूड दिस. कमल रैना, वेरी इन्फॉर्मेटिव, नाइस, थैंक यू सो मच कमल जी, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग. एनी क्वेश्चन विच यू हैव, अगर मैं किसी की भी मदद कर सकती हूँ, प्लीज़ पुट ऑन योर क्वेश्चंस. तो बस यही चीज़ है कि आप कोई नया हैबिट डेवलप कीजिए. सिगरेट जितनी बार आपको तलब लगती है सिगरेट पीने की, उतनी बार कोई ऐसा गाना गाइए, उतनी बार कोई ऐसा गाना सुनिए. मेक अ प्लेलिस्ट, कोई ऐसा गाना सुनिए जिससे आपको लगे कि नहीं, बहुत सारे ऐसे टीवी एड्स भी हैं, वो एक सेव करके रखिए जिससे आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए. सही कहा, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर सिख फ्रेंड्स. ओ, दे डोंट स्मोक, आई डोंट नो दिस थिंग ऑल्सो, दैट्स ग्रेट. तभी आप अपने ऐसे फ्रेंड्स को अपनी ज़िंदगी में रखिए. अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. या तो आप अपने ऐसे फ्रेंड्स को अपने पास रखिए जो आपको ये सब चीज़ें करने के लिए प्रवोक न करे, या तो उनको भी एज अ चैलेंज, आप अपने फ्रेंड्स के बीच में भी एज अ चैलेंज ये थ्रो करें कि यार बहुत हो गया, हमने उस टाइम पे सिगरेट पी ली, मगर उस टाइम हमारे लंग्स, हम जवान थे, हम बच्चे थे, हम सपोर्ट कर लिया, अब बहुत हो गया, अब हम 40+ है, अब हमें छोड़ देना चाहिए और कुछ अच्छा करना चाहिए. भगवान की भक्ति, पूजा, मेडिटेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपको अपने आप लगता है कि ये सब गलत है. बहुत लोगों ने भगवान शंकर को भांग, दतूरा और गांजा, ये सब के साथ मुझे सख्त एतराज़ है इस बात पे. भगवान शंकर ने कभी भी ऐसी कोई चीज़ ना पी है और ना ही प्रमोट करते हैं. समुद्र मंथन के टाइम पे जब वहाँ से विष की उत्पत्ति हुई थी, जहर की उत्पत्ति हुई थी, सब ने अमृत ले लिया, उन्होंने अपने कंठ में वो विष ले लिया, इसीलिए उनको नीलकंठ कहते हैं. मगर हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी वजह से, हम यहाँ पे भी मैं जब देखती हूँ लोगों को जाते हैं भगवान के पास, भांग दतूरा चढ़ाएंगे, नो ही डजंट नीड दैट, आपकी अपनी मन की उत्पत्ति है, आपका वहम है, वो ये नहीं पीते हैं. इट जस्ट सिग्निफाइज कि उन्होंने ये जहर पिया है. अमृत सभी में बांट के प्याला विष का तूने है पिया, उन्होंने विष पिया. उसका नाम रूपा था. किसका नाम रूपा था संजय भैया? ड्यूरिंग सोम सर, यस सर, एग्जैक्टली कमल रैना जी. सो पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, पॉटी नहीं आ रही है सुबह, सिगरेट पी के जाओ. अरे ये कौन सा लॉजिक है? आप पानी पी के जाओ, 4 गिलास पानी पी के जाओ, देखो कितने आप फ्रेश हो जाओगे. 1 गिलास से स्टार्ट तो करो, फिर खाना नहीं हजम हो रहा है सिगरेट पियो, फिर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यार, एक कश लगा लेता सिगरेट पियो, टेंशन हो गई, हेलो, हाँ ये से टेंशन हो गई, सिगरेट पीता. उससे क्या होता है, आप सबको पता होगा, जब आप सिगरेट पी रहे होते हैं तो निकोटीन आपके ब्लड में जाती है. निकोटीन आपके ब्लड का एक अटूट अंग बन गया है. आप इतने सालों से आप स्मोकिंग कर रहे हैं, वो निकोटीन आपके पूरे शरीर में घुस गया है, वो आपको निकोटीन चाहिए. निकोटीन से
क्या सिक्रीट होता है जिससे आपको अच्छा लगता है, व्हाई डू यू फील गुड व्हेन यू स्मोक, बिकॉज डोपामाइन सिक्रीट हुआ. डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो आपको फील गुड का ये देता है, फीलिंग देता है, आपको अच्छा लगता है. मगर वो डोपामाइन ऐसे भी सिक्रीट होगा जब आप अच्छी एक्टिविटीज़ करेंगे बच्चों के साथ या खेल. नहीं, मुझे ये म्यूज़िकल ग्रुप क्यों इतना पसंद है, क्योंकि आप अपने गाने पोस्ट करते हैं. यहाँ पे ये कंपटीशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसने परफेक्ट गाया किसने परफेक्ट नहीं गाया. ये हर किसी को समझना चाहिए कि कोई अपना स्ट्रेस निकालने के लिए गा रहा है. चार लोग अगर कमेंट कर रहे हैं तो क्या उंगलियों में दर्द हो रहा है, करो, नहीं तो क्यों यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन किया है. सबको कमेंट किया करो अगर टाइम है तो. यहाँ पे कोई भी सिंगर परफेक्ट नहीं है, हर कोई अपना स्ट्रेस बस्ट करने के लिए. सिंगिंग गुंजन ने क्लियरली ये बात बोली है और अप्रिशिएट करना चाहिए जो लोग अपना स्ट्रेस बस्ट करने के लिए सिंगिंग करते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं, उनको रियली अप्रिशिएट करना चाहिए और ग्रुप ज्वाइन करें ताकि सभी आप यहाँ पे शेयर करें और अपना गाना. और अगर किसी एक दो ने लिख भी दिया, इस पे भी ये है कि फॉल्स कमेंट करते हैं जी, क्या सुनना चाहते हैं आप, सच्चाई. फॉल्स कमेंट में ही खुश रहा करिए, खुशी बहुत ज़रूरी है. तो आपको भी पता है आप कितना अच्छा गाते हैं और हमको भी पता है आप कितना अच्छा गाते हैं, मगर गाइए अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए गाइए और ग्रुप पे शेयर कीजिए, स्टार मेकर पे शेयर कीजिए. बहुत अच्छी फीलिंग आती है, किसी को डाउन मत फील कराइए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाय दीपक. तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट अराउंड यू विच विल हेल्प यू इन क्विटिंग दोज हैबिट्स विच यू हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हमेशा आपके साथ बहना, यू विल बी फाइन. यस ज्योति कोल्डियर, यू विल बी फाइन. टॉपिक पर बात कीजिए. राहुल दरबारी, राहुल दरबारी जी टॉपिक पर ही बात है. नमस्कार, वेलकम टू दिस लाइव सेशन. टॉपिक यही है कि हाउ टू क्विट स्मोकिंग. और टॉपिक पे ये बात हो रही थी, ये क्यों आया, बिकॉज यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड सेशन ऑल्सो. अभी तो बैक नहीं जा सकते हैं राहुल दरबारी जी, अभी आप बैक नहीं. जब मैं बोल रही थी, जब आपको सिगरेट पीनी, क्योंकि आप यहाँ वॉच कर रहे हैं तो ज़रूरी, इट्स ऑब्वियस कि आपको सिगरेट पीना छोड़ देना है या किसी अपने रिश्तेदार को इंस्पायर करना है कि वो कैसे सिगरेट पीना छोड़ दे. तो मैं वही बात कर रही हूँ यहाँ पे कि अगर आपको जब भी तलब लगती है सिगरेट पीने की, आप इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग यू कैन सिंग इट आउट, यू कैन सिंग दैट आउट. आप अपना कोई फेवरेट गाना गाइए और आप देखिए, आप पानी पीजिए, आप कोई ऐसी इलायची खाइए, दालचीनी खाइए, ऐसी कोई चीज़ है. च्युइंग गम्स, अनुपमा जी ने बोला, च्युइंग गम विल आल्सो हेल्प. ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प ओनली व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर. मैं वही बोल रही हूँ कि चैलेंजेस एक्सेप्ट करना सीख लीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट द चैलेंज. ये चीज़ हो गया. और एक लिस्ट बनाइए, अब दो लिस्ट बनाइए आप अपने टेबल पे या सीक्रेटली अपने मोबाइल में वो लिस्ट रखिए. मैं आपको सजेस्ट करूँगी, यू मेक टू लिस्ट. वन लिस्ट विद द ऑल द इल इफेक्ट्स, विद ऑल द बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एक पेज पे, और दूसरी जगह पे आप बनाइए वो लिस्ट जिसमें आपका बेनिफिट्स ऑफ क्विटिंग द स्मोकिंग, आपकी क्या बेनिफिट्स है. इंफॉर्मेशन इज ऑल ओवर द इंटरनेट. I am just making you to revise the things. I am just making you to see it if it is possible for you only when you will be there with that firm determination. How to quit smoking? Exactly. So, ye point aa gaya. Then, focus on the benefits. Ye likho. And final point is, do not give up. Do not give up. Chahe kuch bhi ho jaye, do not give up. एक अपना जब डिटर्मिनेशन बना के रखा, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. आप अपने लिए जो भी टारगेट सेट करते हैं वो अचीव करना आपके लिए पॉसिबल हो जाता है जब आपकी फर्म डिटर्मिनेशन होती है. जब आपकी डिटर्मिनेशन ही नहीं फर्स्ट होती है, वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. फर्स्ट वी नीड टू स्टार्ट. एग्जैक्टली, फर्स्ट वी नीड टू स्टार्ट. इंक्रीज ईच अदर. अगर आप अभी ज्वाइन करे हैं इस लाइव सेशन में, तो अभी ये सेशन जब एड होगा, अब ज़रूर ये सुनिए.
आप ये सेशन ज़रूर सुनिएगा, इसमें मैंने 10 पॉइंट्स बोले हैं। इन 10 पॉइंट्स को मैं रिवाइज़ करके बोलती हूँ, अभी आपके सामने मैंने लिख के भी रखे हैं कि सेट योर टारगेट, आप अपना टारगेट सेट करो, कब तक आप सिगरेट स्मोकिंग करना छोड़ दे सकते हो। टेक सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, आप अपनी फैमिली से सपोर्ट लो। येस इट्स पॉसिबल टू क्विट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ आई सपोर्टेड हिम बट द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज ही वॉज वेरी डिटर्मिंड। येस सी दीपक आनंद हैज़ गिवन सच अ ग्रेट एग्जाम्पल, उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने एक फ्रेंड को, देखो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, उन्होंने अपने एक फ्रेंड को सिगरेट स्मोकिंग से बचाया और क्विट करवाया। सी ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। टेक सपोर्ट ऑफ अदर्स, डोंट बी शाई, टेक सपोर्ट ऑफ अदर्स। लवली तेंगलू जी, येस एंड देन हैंडल द चैलेंजेस, आपने अपने आप के लिए एक चैलेंज सेट किया, आप अपने आप को चैलेंज, जब आपने उस टाइम चैलेंज एक्सेप्ट किया था, यार एक सुट्टा मार ले, अरे यार अब छोड़ दे, एक्सेप्ट दिस चैलेंज, देन मेक एन एनवायरनमेंट, जितने भी आपका सिगरेट वाला एनवायरनमेंट है वो आप बिल्कुल इसको सिगरेट एश्ट्रे होती है घरों में, मुझे तो पता भी नहीं देन क्या क्या होता है घरों में जिससे सिगरेट की याद आए, वो सब आप हटा दो। सिगरेट के पैकेट को भी हटाओ, उसको भी दफ़ा करो, बिकॉज वो पी कर ख़त्म मत करो, फेंक कर ख़त्म करो, किसी को दो भी मत। देन एक हैंड टू माउथ का मूवमेंट, जो एम्प्टी हैंड टू माउथ मूवमेंट, वो आप कर सकते हो जब आप ट्रिगर होता है आपका, आप छोड़ना चाहते हो और आपको नो वन स्मोक्स इन आवर फैमिली, थैंक गॉड, येस थैंक गॉड नो वन स्मोक्स, बट आई डू स्मोक, आई विल टेल यू हाउ डू आई स्मोक। तो हैंड टू माउथ वाला एक्शन करिए, जूठी मूठी एक्शन करिए, देखिए होता है कि ना। ये याद रखिएगा कि आप अपनी जीन्स बिगाड़ रहे हैं, आपको आज फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको कई लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं हम 70 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मगर आपको आज फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी जीन्स की एक्सप्रेशन को बिगाड़ रहे हैं, आपके आने वाली जनरेशन भुगतेंगी, क्योंकि हम उनके सबके लंग्स वैसे ही वीक हैं, कोरोना ने और वीक बना दिए हैं, एंड सिगरेट की स्मोकिंग वाले जीन्स जो आप में हैं, वो जो कैरेक्टर्स आप में हैं, वो आगे को जाएंगे। ये उन सब बुज़ुर्गों के लिए, उन सब अंकल जियों के लिए जो ये तर्क करते हैं मेरे साथ कि हम अब बुड्ढे हो गए हैं, हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपसे हमको फ़र्क पड़ता है। और आसपास, अपने आसपास के लोगों से भी पूछिए, क्या मैं जो ये सिगरेट स्मोक करता हूँ आपके लिए कुछ खतरा तो नहीं पैदा होता। अब वो पॉइंट आ गया, ट्रिगर मोमेंट्स को आप 18 मिनट तक होल्ड करके रखिए, इट टेक्स ओनली 18 मिनट्स टू ओवरकम दैट ट्रिगर मोमेंट। 18 मिनट तक आप उस ट्रिगर मोमेंट को होल्ड करके रखिए और 18 मिनट से आप जीत जाए, देखिए कौरबो लड़बो जीत बोरे जीत बोरे, तो जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में नहीं उड़ाना है, हर फिक्र को ख़त्म करना है। और ज्योत्सना बहुत ही सुंदर ये आज का पोस्ट बनाया था, देन स्टार्ट डेवलपिंग न्यू हैबिट्स, न्यू रिलेशनशिप्स, स्टार्ट डेवलपिंग, स्टार्ट सिंगिंग। ये मैं रिपीट कर रही हूँ जो मैंने पहले बोल चुकी हूँ डिटेल में, ये मैं रिपीट कर रही हूँ आप सब दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज, देयर इज़ नो एक्सक्यूज, अरे यार पॉटी जाना है तो सिगरेट पीना है, अरे यार मुझे टेंशन हो गई तो सिगरेट पीना है। अपना डोपामाइन खुद क्रिएट करो, अपनी निकोटीन की जो आदत लग चुकी है उसको कोई भी एडिक्शन आप खुद अपने आप से अभी ख़त्म कर सकते हैं, अभी इसी वक्त मेरे को सुनते ही। फोकस ऑन द बेनिफिट्स, आप एक लिस्ट बना के रखो जहाँ पे आप इसके बेनिफिट्स भी, आपके इल इफ़ेक्ट्स भी। ये याद रखें, आप सिगरेट स्मोक कर रहे हैं मगर आपके जो बेटी है बेटा है उसको पता है क्या इल इफ़ेक्ट्स है, क्या खराबी होने वाली है। ये याद रखें, उनके मन पे क्या बीतती होगी जब वो आपको कश पे कश लगाते देख रहे होंगे। प्लीज़ डू नॉट गिव अप। नाउ आई विल टेल यू हाउ डू आई स्मोक। मैं दिन में कम से कम 8 सिगरेट पी जाती हूँ। मैं कैसे पीती हूँ, हमारी बिल्डिंग में बहुत ही अच्छे एक सीनियर सिटीजन है, ऊपर भी नीचे भी, हमारा सेकंड फ्लोर पे है, तो ऊपर वाले अंकल भी पीते हैं सिगरेट, नीचे वाले अंकल भी सिगरेट पीते हैं। तो जहाँ पे मैं बैठती हूँ, जिस विंडो पे मैं बैठती हूँ, मैं दिन में 8 बार वो सिगरेट पीती हूँ। ऐसे ही आपकी वजह से भी बहुत सारे मासूम लोग सिगरेट पीते हैं, उनको अपना ये पैसिव स्मोकिंग, जो आप तो फिल्टर से सिगरेट पी रहे हैं मगर हम तो अनफिल्टर्ड सिगरेट आपका पी रहे हैं। तो मेरी ये विनती है,
मेलेडी स्ट्रिंग्स इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐसे उन सभी भाई बहनों से, बहनें भी पी रही हैं सिगरेट, बहुत मज़े से पी रही हैं बहनें भी सिगरेट, तो उन सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप मासूम बच्चों को ये जहर मत पिलाएं इनडायरेक्टली, और घर की गृहणियों को जिस घर में रह रहे हैं, मेरी तो बहुत जंग है उन लोगों के साथ, वो लोग नहीं समझ रहे हैं, आप ही समझ जाइए कि छोड़ दीजिए, अभी भी टाइम है, छोड़ दीजिए। आप जो सिगरेट बेचने वाले हैं वो कुछ और बिजनेस कर लेंगे। सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा हुआ होता है क्विट स्मोकिंग, इट्स डेंजरस टू योर हेल्थ, इट कॉजेस कैंसर। सो दिस वॉज इट ऑल अबाउट व्हाट आई मतलब द लेवल, जिस लेवल का मैं आपको कन्विंस करवा सकती थी। प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिनको अगर मेरी किसी भी एक बात से, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेजेस मुझे मिलते हैं, इट्स सो ओवरवेलमिंग। आज सुबह से मुझे बहुत सारे मैसेज मिले हैप्पी टीचर्स डे के, कि मैं भी किसी के लाइफ में कुछ इन्फ्लुएंस डाल रही हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू who have really supported me, encouraged me, और मुझे इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपना विल पावर, अपना विल पावर से आप हर मैदान फतेह कर सकते हैं, हर मैदान आप फतेह कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने विल पावर से। सो बी कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड थ्रू माई पेज। मैं रोज़ 2-3 रील्स तो डालती हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट होता है एडिटिंग करना हर एक चीज़, मैं बहुत एंगेज रह रही हूँ क्योंकि स्कूल खुल गए, अभी बच्चों के स्कूल खुल गए, अब मुझे भी सेशंस करने जाना होता है, तो मैं टाइम शायद नहीं दे पा रही हूँ उतना जितना मैं पहले दे पाती थी मेलोडी स्ट्रिंग्स को, हर एक के गाने सुनना, कमेंट करना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मगर मुझे जब भी किसी का भी दिखता है, क्योंकि मुझे को पूरा गाना सुनना होता है इसलिए मुझे टाइम लगता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैंने अपनी चैनल का नाम चेंज किया है, आप में से ही बहुत लोगों ने बोला बड़ा लंबा नाम है, याद नहीं रहता है, तो नाउ इट्स डॉक्टर होममेकर ऑन यूट्यूब। आई हैव अपलोडेड ऑलमोस्ट 140 वीडियोज़ देयर, 140 वीडियो में आप अगर आपने सारे देख भी लिए, रोज़ अगर आप एक एक देखेंगे तो बाय द एंड आप अच्छे से खाना पीना सीख लेंगे। एट डॉक्टर होममेकर आई रियली प्रमोट, आई इंसिस्ट ऑन द थिंग्स, आई वॉन्ट टू मेक ऑल द होम मेकर्स, आई वॉन्ट टू टर्न ऑल द होम मेकर्स इन टू डॉक्टर्स। जो गृहिणी होती है घर की वही डॉक्टर होती है, उसको पता होना चाहिए मुझे क्या खरीदना है, क्या खाना है, क्या खिलाना है अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, और अपना घर कैसे देखना है। तो दिस इज़ अ चैनल फॉर ऑल ऑफ यू होम मेकर्स, टेक द चैलेंज एंड इंस्पायर ईच अदर, एंड अपनी किसी एक फ्रेंड को आज ही सिगरेट स्मोक करने से बचाए ये वीडियो शेयर करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।